नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। यहाँ पर हम इस वीडियो के दौरान बात करने वाले हैं राइजड्रॉइड ओएस के बारे में। यहाँ पर हमने रेडमी नोट 7 डिवाइस के ऊपर राइजड्रॉइड 7.5 का जो बिल्ड है इंस्टॉल किया है, एंड यहाँ पर इस वीडियो के दौरान राइजड्रॉइड रॉम का जो फुल रिव्यू है आपके साथ शेयर करने वाले है। तो वीडियो जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में राइजड्रॉइड 7.5 का जो डाउनलोड लिंक रहेगा वहां पर जाके रेडमी नोट 7 डिवाइस के लिए इस रॉम को डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं पर ये जो बिल्ड है दोस्तों अनऑफिशियल बिल्ड है रेडमी नोट 7 डिवाइस के लिए। राइजड्रॉइड 7.5 का बिल्ड है, एंड्रॉइड 13 के ऊपर बेस कर तैयार किया गया है। एंड्रॉइड 13 का जो स्ट्रेटेजी है ऐड किया गया है, यहाँ पर राइजड्रॉइड 7.5 के साथ एंड्रॉइड 13 देने को मिलेगा। प्लस यहाँ पर जो 5th अक्टूबर का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट है ऐड किया गया है। कर्नल की अगर बात करें 4.4 नेक्सस कर्नल के साथ यह बिल्ड है अवेलेबल है। आपको यहाँ पर इस रॉम के साथ बाई डिफॉल्ट इस बिल्ड के साथ नेक्सस कर्नल देने को मिल जाएगा। ओवरऑल जो है नेक्सस कर्नल के साथ जो काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देने को मिलता है। यहाँ पर हमने जो राइजड्रॉइड 7.5 का जो इंस्टॉलेशन वीडियो है ऑलरेडी अपलोड किया है। आप सिंपली रेडमी नोट 7 का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। एनीवे पर बात कर लेते हैं फीचर्स के बारे में राइजड्रॉइड 7.5 के साथ जो क्या क्या फीचर्स को ऐड किया गया है। सबसे पहले ये जो बिल्ड है दोस्तों अनऑफिशियल बिल्ड है, यहाँ पर ओवरऑल जो एक्सपीरियंस उसे इम्प्रूव किया गया है। प्लस इस अपडेट के साथ जो आपको यहाँ पर जो है इम्प्रूव बैटरी बैकअप देने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर कुछ इस तरह से बैटरी बार का जो UI है ऐड किया गया है, पर बैटरी टेम्परेचर का ऑप्शन है, बैटरी मैनेजर का ऑप्शन है। इस रॉम के साथ लगभग आपको यहाँ पर 5 आवर्स से 6 आवर के आसपास जो स्क्रीन ऑन टाइम देने को मिल जाएगा रेडमी नोट 7 डिवाइस के साथ। ओवरऑल जो है पर बैटरी बैकअप के साथ इम्प्रूवमेंट देने को मिल गया है, जो काफी बढ़िया बात है। एंड डेफिनेटली जो बैटरी बैकअप है डिपेंड करता है कौन कौन सी एप्लीकेशन की यूज करते हो, यानी यहाँ पर बैटरी बैकअप जो है डिपेंड करता है यूजर टू यूजर। ओवरऑल मेरे हिसाब से आपको काफी बढ़िया बैटरी बैकअप देने को मिल जाएगा इस अपडेट के साथ। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर सेफ्टी नेट के बारे में। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट विदाउट मैजिक्स विदाउट रूट सेफ्टी नेट पास हो जाएगा, मतलब गूगल पे फोन पे इस तरह के जो एप्लीकेशन है बाय डिफॉल्ट काम करेगा। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सेफ्टी नेट पास हो जाएगा इस रॉम के साथ। नेक्स्ट ये जो रॉम है दोस्तों वैनिला प्लस जीएप्स दोनों बिल्ड में अवेलेबल है। अगर आप वैनिला बिल्ड को फ्लैश करोगे आपको अलग से जीएप्स को फ्लैश करना होगा। अगर आप जीएप्स बिल्ड को फ्लैश करते हो तो आपको अलग से प्ले स्टोर को इंस्टॉल नहीं करना होगा। हमने यहाँ पर जो है जीएप्स बिल्ड को फ्लैश किया है। प्लस यहाँ पर जो है डार्क मोड की अगर बात करें तो यहाँ पर जो डार्क मोड का जो ऑप्शन है अभी फिलहाल और भी बहुत सारी जो सिस्टम UI के ऊपर जो ऑप्शन है उसके ऊपर काम कर जाएगा। तो यहाँ पर जो है डार्क मोड का जो ऑप्शन है उसके साथ भी यहाँ पर जो है इम्प्रूवमेंट देने को मिलेगा इस अपडेट के साथ। नेक्स्ट यहाँ पर जो है ऑक्सीजन ओएस 13 का जो डैशबोर्ड स्टाइल इसे ऐड किया गया है राइजड्रॉइड 7.5 के साथ। सिंपली यहाँ पर जो है सेटिंग्स में जाके यहाँ पर जो है कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को ऐड किया गया है। यहाँ पर इस अपडेट के साथ ऑक्सीजन ओएस 13 का जो डैशबोर्ड आइकॉन है ऐड किया गया है। सिंपली यहाँ पर इस अपडेट के साथ नया वाला जो डैशबोर्ड आइकॉन है ऑक्सीजन ओएस 13 का जो डैशबोर्ड आइकॉन है ऐड किया गया है, जो कि काफी बढ़िया बात है। प्लस कुछ इस तरह से यहाँ पर जो है सेटिंग्स मेन्यू का जो UI है देने को मिल जाएगा। प्लस यहाँ पर जो रैम मैनेजमेंट है इस बिल्ड के साथ काफी बढ़िया रैम मैनेजमेंट देने को मिल जाएगा। रैम मैनेजमेंट के रिलेटेड कोई भी इश्यू देने को नहीं मिलेगा इस अपडेट के साथ। प्लस यहाँ पर जो है यहाँ पर जो अबाउट फोन का जो UI है उसमें भी इम्प्रूवमेंट देने को मिल गया है। प्लस अगर बात करें पर लॉकेशन के बारे में इस रॉम के साथ जो है कुछ इस तरह से लॉकेशन का जो UI है देने को मिलेगा। यहाँ पर जो है डायलर का ऑप्शन है, यहाँ पर कैमरा का जो आइकॉन है ऐड किया गया है। पर लॉक स्क्रीन एनिमेशन के साथ भी यहाँ पर जो है इम्प्रूवमेंट देने को मिलता है। तो यहाँ पर इस अपडेट के साथ लॉक स्क्रीन एनिमेशन के साथ भी इम्प्रूवमेंट देने को मिल गया है। प्लस यहाँ पर जो है अब SIM 1 एंड SIM 2 के लिए अलग अलग रिंग टोन को सेट कर सकते हो। यहाँ पर जो ऑप्शन को ऐड किया गया है यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन के ऊपर जो SIM 1 एंड SIM 2 के लिए अलग अलग रिंग टोन को सेट कर सकते हो। प्लस यहाँ पर जो कुछ कुछ एप्लीकेशन के साथ जो ब्लैक स्क्रीन का इशू था उसे फिक्स किया गया है इस अपडेट के साथ। यहाँ पर बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, किस तरह से परफॉर्मेंस देने को मिलेगा राइजड्रॉइड 7.5 के साथ नेक्सस कर्नल के साथ।
हमने अपने इस रॉम के साथ जो कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशंस को रन किया था, तो यहाँ पर 3D मार्क के साथ वाइल्ड लाइफ के ऊपर जो है 371 का स्कोर देने को मिल गया है। रेडमी नोट 7 डिवाइस के साथ 3D मार्क के साथ जो है काफी बढ़िया स्कोर देने को मिलता है। अगर बात करें पर गीकबेंच 5 के बारे में, यहाँ पर जो है सिंगल कोर के साथ 334, मल्टी कोर के साथ जो है 1503 का स्कोर है गीकबेंच 5.4.4 के साथ एंड्रॉइड 13 के साथ। यहाँ पर जो है नेक्सस कर्नल के साथ काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो सिंगल कोर का जो परफॉर्मेंस है एवरेज से ज्यादा है, प्लस यहाँ पर जो है मल्टी कोर का जो परफॉर्मेंस है एवरेज से काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर जो है सिंगल कोर प्लस मल्टी कोर के साथ एवरेज से ज्यादा इसको देने को मिल गया है। ओवरऑल जो है काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देने को मिल जाएगा इस रॉम के साथ। नेक्स्ट यहाँ पर जो है सेप्टनेट बाय डिफॉल्ट पास हो जाएगा, काफी बढ़िया बात है। अगर बात करें पर सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट के बारे में, लगभग 5 मिनट के लिए ये जो टेस्ट है हमने रन किया था, मैक्स गया है 161, एवरेज है 148, मिनिमम है 139। यहाँ पर जो है 90% का सीपीयू थ्रॉटल देने को मिल गया है। मैक्स सीपीयू गया है 2.20 जिगर्स तक। नॉर्मली रेडमी नोट 7 डिवाइस के ऊपर जो 140 के आसपास मैक्स रहता है, तो यहाँ पर मैक्स है 161 एंड मिनिमम है 139। तो ओवरऑल जो है काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देने को मिल जाएगा सीपीयू थ्रॉटलिंग गीकबेंच 5 एंड यहाँ पर जो है 3D मार्क के साथ जो काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देने को मिल गया है। तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है इस रॉम के साथ काफी बढ़िया है, प्लस जो रैम मैनेजमेंट उसे भी इम्प्रूव किया गया है एंड ओवरऑल जो है कोई भी लैग कोई भी हैंग का इशू नहीं है, स्मूथ UI देने को मिल जाएगा एंड कोई भी इशू देने को नहीं मिल रहा है इस रॉम के साथ। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर कैमरा टू API के बारे में। यहाँ पर कैमरा टू API के साथ जो लेवल 3 का सपोर्ट है, यहाँ पर गूगल कैमरा काम कर जाएगा, GCam यहाँ पर काम कर जाएगा, काफी बढ़िया बात है। कैमरा टू API के साथ जो लेवल 3 का जो है सपोर्ट देने को मिलता है। अगर बात करें पर डिफॉल्ट कैमरा एप्लीकेशन के बारे में, तो यहाँ पर इस रॉम के साथ ए वाला जो कैमरा एप्लीकेशन से ऐड किया गया है बाय डिफॉल्ट, ए वाला जो कैमरा एप्लीकेशन से अवेलेबल है। आप यहाँ से जो है फुल HD और यहाँ पर जो है 4K तक वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो यहाँ पर जो फोटो वीडियो ऐसे ऑप्शन को ऐड किया गया है। तो ये जो कैमरा एप्लीकेशन है इसका जो रिव्यू वीडियो है ऑलरेडी हमने अपलोड किया है। तो यहाँ पर जो इस रॉम के साथ बाय डिफॉल्ट ए वाला जो कैमरा एप्लीकेशन है देने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो हमने GCam Go को इंस्टॉल किया था, यहाँ पर गूगल कैमरा गो एंड GCam Go भी काम कर जाएगा, इससे भी ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर HDR मोड का ऑप्शन है, पर नाइट मोड का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा, फेस रिटचिंग, सेफ सेल्फी सेस प्रीव्यू ऐसे भी ऑप्शन को ऐड किया गया है। यहाँ पर हमने जो है GCam Go का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, कैमरा गो का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, प्लस इस रॉम के साथ जो पर गूगल कैमरा भी काम कर रहा है, काफी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर जो है Wi-Fi, ब्लूटूथ, फ्लैश लाइट, लोकेशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, हॉटस्पॉट का जो ऑप्शन से काम कर रहा है, नाइट लाइट का जो ऑप्शन से देख सकते हो, पर नाइट लाइट का जो ऑप्शन से शायद काम नहीं कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर नाइट लाइट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, काफी बढ़िया बात है। तो यहाँ पर नाइट लाइट, एक्स्ट्रा डिम प्लस 100 मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर QR कोड को स्कैन करने के लिए जो टॉगल है ऐड किया गया है, यहाँ से आप जो जल्दी से QR कोड को स्कैन कर सकते हो। प्लस यहाँ पर जो है लॉन्चर सेटिंग्स की अगर बात करें, इसी ऑप्शन को ऐड किया गया है, पर आइकन के ऊपर जो है आइकन पैक का ऑप्शन है, नोटिफिकेशन डॉट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, हैप्टिक फीडबैक का ऑप्शन है, पर हिडन एप्स का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, प्लस यहाँ पर जो है बैकग्राउंड ब्लर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। सिंपली यहाँ पर जो है रिसेंट पैनल के ऊपर जो है बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते, इस भी ऐड किया गया है लॉन्चर के साथ, इससे भी ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर कुछ इस तरह से इस रॉम के साथ जो है लॉन्चर का जो UI है देने को मिलेगा। यहाँ पर जो डॉक का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, प्लस यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट सभी जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। पावर मेनू की अगर बात करें, कुछ इस तरह से पावर मेनू के साथ जो ब्लर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। हमने ऑलरेडी जो इंस्टॉलेशन वीडियो अपलोड किया है इस रॉम का, उससे आप जो है रेडमी नोट 7 का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। यहाँ पर बात कर लेते हैं कस्टमाइजेशन ऑप्शंस के बारे में, क्या क्या फीचर्स को ऐड किया गया है। यहाँ पर यूजर इंटरफेस के ऊपर जो है आइकॉन पैक का ऑप्शन है, मॉनिट सेटिंग्स को ऐड किया गया है, नेविगेशन बार स्टाइल का ऑप्शन है, बट स्क्रीन ऑफ एनिमेशन को ऐड किया गया है, अलग अलग एनिमेशन को आप सेलेक्ट कर सकते हो, सिग्नल आइकन स्टाइल का ऑप्शन है, वाईफाई आइकन स्टाइल का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, साउंड एंड वाइब्रेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है एडेप्टिव प्लेबैक का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, इनकॉल वाइब्रेशन ऑप्शन के ऊपर वाइब्रेटन कनेक्ट, वाइब्रेटन कॉल वेटिंग, वाइब्रेटन डिसकनेक्ट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। सरस वर्ग की अगर बात करें तो जो 4G आइकन का ऑप्शन है, बैटरी स्टाइल का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, अलग अलग बैटरी स्टाइल का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, प्लस यहाँ पर जो बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन है, ब्राइटनेस कंट्रोल का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद आप जो सिंपली सरस वर्ग के साथ ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हो। एंड यहाँ पर जो डेटा डिजिबल इंडिकेटर को ऐड किया गया है,
लोकेशन प्राइवेसी इंडिकेटर, माइक कैमरा प्राइवेसी इंडिकेटर को डिसेबल करने का ऑप्शन है, प्लस वर्जे नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर को ऐड किया गया है, एंड वर्जे सर्च बार का जो आइकन है उसे भी कस्टमाइज करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। क्विक सेटिंग्स की अगर बात करें तो वर्जे क्विक सेटिंग्स पैनल के ऊपर जो ऑटो ब्राइटनेस का जो आइकन है उसे डिसेबल करने का ऑप्शन है, यहाँ पर बैटरी स्टाइल का ऑप्शन है, प्लस इस तरह से ऐसे भी ऑप्शन है। यहाँ पर क्विक सेटिंग्स क्विक पुल डाउन का ऑप्शन है, यहाँ पर जो क्विक सेटिंग्स पैनल के ऊपर जो अलग अलग स्टाइल को ऐड किया गया है, प्लस यहाँ पर क्विक सेटिंग्स पैनल के ऊपर जो ओपेसिटी उसे चेंज करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, एंड यहाँ पर जो नोटिफिकेशन का ऑप्शन है डेडिकेटेड जो गेमिंग मोड है ऐड किया गया है। अगर बात करें पर लोकेशन के बारे में तो यहाँ पर जो लोकेशन के ऊपर बैटरी इन्फो का ऑप्शन है, यहाँ पर फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन वाइब्रेशन का ऑप्शन है, फिंगरप्रिंट इरर वाइब्रेशन का ऑप्शन है, प्लस यहाँ पर जो है लॉक स्क्रीन शॉर्टकट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, यहाँ पर जो है पावर विंडो को डिसेबल करने का ऑप्शन है, जो फोन को अनलॉक करने के टाइम जो रैपिड एनिमेशन उसे डिसेबल करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, ये सभी ऑप्शन है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर इस बिल्ड के साथ जो है एंड्रॉइड 13 का बिल्ड है, इसलिए यहाँ पर जो है फेस अनलॉक जो है अवेलेबल नहीं है, पर फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, सिंपली टैप किया ओपन हो गया, यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर काम कर रहा है, बहुत ही फास्ट आपको जो डिवाइस से अनलॉक हो जाएगा, काफी बढ़िया बात है, यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर काम कर रहा है इस रॉम के साथ। नेक्स्ट यहाँ पर जो सिस्टम के ऊपर डिवाइस सेटिंग्स का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, यहाँ पर एलईडी ब्राइटनेस का जो ऑप्शन उसे चेंज करने का ऑप्शन है, नोटिफिकेशन एलईडी ब्राइटनेस को जो चेंज करने का ऑप्शन है, हेडफोन गेन माइक्रोफोन गेन का ऑप्शन है, एमआई का जो साउंड इनहाइजर है ऐड किया गया है, अलग अलग ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, अलग अलग जो प्रीसेट है यहाँ से आप सिलेक्ट कर पाओगे, प्लस यहाँ पर जो है डिस्प्ले कलर कैलिब्रेशन का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लियर स्पीकर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद स्पीकर में जो भी डस्ट रहेगा ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा, एंड यहाँ पर जो थर्मल प्रोफाइल का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, प्लस यहाँ पर जो है गिशेस का ऑप्शन है, यहाँ पर गिशेस के ऊपर डबल टैप का ऑप्शन है, स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, क्विकली ओपन कैमरा का ऑप्शन है, सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन है, 100 मोड का ऑप्शन है, यहाँ पर गिशेस के ऊपर एसी ऑप्शन है, प्लस यहाँ पर जो है लाइव ट्रांसलेट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, एंड बटन के साथ जो एसी ऑप्शन है आप जो है यहाँ पर पावर बटन के साथ कॉल को बंद कर सकते हो, फ्लैश लाइट को एनेबल करने का ऑप्शन है, वॉल्यूम की इसके साथ जब गाने को स्किप कर सकते हो, कॉल को आंसर कर पाओगे, फोन को वेकअप कर सकते हो, ऐसे भी ऑप्शन को ऐड किया गया है। लोकेशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, साउंड एंड वाइब्रेशन के ऊपर जो इंक्रीज रिंग वॉल्यूम का ऑप्शन है, लाइव कैप्शन का ऑप्शन है, अडेप्टिव साउंड पार अप वॉल्यूम कंट्रोल को ऐड किया गया है, एंड यहाँ पर डिस्प्ले के साथ मैक्सिमम ब्राइटनेस, यहाँ पर लो ब्राइटनेस के साथ कोई भी इशू नहीं है। नाइट लाइट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, डबल टैप टू वेकअप का जो ऑप्शन से काम कर रहा है, वेकअप ऑन प्लग का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, तो इस तरह से राइजड्रॉइड 705 के साथ जो ऐसे भी फीचर्स को ऐड किया गया है। एनीवे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।